यूपी में सड़कों पर साड़ों के आतंक को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कौशाम्बी और आजमगढ़ की घटनाओं के वीडियो वायरल कर योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और ट्वीट पर सार समाचार लिखकर खूब तंज कसा। लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को अखिलेश का सार समाचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से साड़ों की लड़ाई का एक वीडियो क्या ट्वीट किया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुल्क भर में मुसलमानों को हिंसा और नाइंसाफी का निशाना बना रही है, लेकिन भैया को साड़ समाचार से फुर्सत नहीं मिलती। और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ साड़ समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है और फिर वोट दिला दी अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई और पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अखिलियत को उत्तर प्रदेश में भी और हर जगह पर, और अखिलेश कह रहे हैं कि ये असली हिंदुत्व को बचाना है। क्या बचाएंगे आप हिंदुत्व को बचाएंगे? आप सेकुलरिज्म को नहीं बचाएंगे? आप संविधान को नहीं बचाएंगे? यही नहीं, ओवैसी ने हिंदू पॉलिटिक्स को लेकर भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछले चुनाव में सपा को मुसलमानों का रिकॉर्ड तोड़ एक तरफा वोट मिला, लेकिन अखिलेश अब असली हिंदुत्व को बचाने में जुट गए हैं। क्या ऐसे ही अखिलेश संविधान को बचाएंगे? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है, और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? ओवैसी ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा की तुलना भाजपा से की और कहा कि जैसे भाजपा देश में मुसलमानों को हिंसा और नाइंसाफी का निशाना बना रही है, वही हाल अखिलेश भी करने में जुटे हैं, जिसके लिए ओवैसी से अखिलेश का साड़ समाचार को लेकर तंज कसा। बता दें कि यूपी में ट्रैफिक पुलिस और किसानों के लिए साड़ों की समस्या दिन प्रतिदिन मुश्किल बनती जा रही है। इनका इतना आतंक है कि लोग अब अपने घरों से भी निकलने से डरते हैं। अब तो आलम यह है कि शहर के चौक चौराहों पर भी लोग खुलेआम टहलने से डरते हैं। आजमगढ़ और कौशाम्बी की घटनाओं को लेकर अखिलेश ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अखिलेश का ये साड़ समाचार ओवैसी को बिल्कुल नागवारा गुजरा और उन्होंने जनता के मुद्दे को सियासी मुद्दा बना दिया, जिसे वो 2024 की जंग के लिए बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है, ताकि ओवैसी सपा के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सके।